बिरयानी एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके बारे में बात करते ही अक्सर लोगों का दिमाग सीधे तौर पर नॉनवेज की तरफ सोचने लगता है। लेकिन ग्वालियर के बल्लभ भवन के पास एक ऐसा स्टॉल संचालक है जहां पर बिरयानी वेज बिरयानी के रूप में मिलती है, जिससे नॉनवेज का कोई नाता नहीं है। और यह बिरयानी कंडे पर और लकड़ी पर तैयार की जाती है, जिससे इसका स्वाद भी बेहद निराला है। और ग्वालियर के हर वर्ग के लोग इस बिरयानी को पसंद भी करते हैं। इस बिरयानी को बेचने वाले को बाबू लोहार के नाम से लोग जानते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कि उनकी बिरयानी क्यों इतनी फेमस है और लोग उन्हें बाबू लोहार के नाम से क्यों जानते हैं, जो कि बहुत अधिक फेमस हो चुके हैं। मेरा अनीस खान, मुझे कहते हैं कि मैंने एक पिक्चर देखी, बाल बड़े कर लिए, दाढ़ी बड़ी कर ली। अच्छा, तो बाबू लोहार के नाम से फेमस हूँ। अच्छा जी, कहीं पे भी जाता हूँ मेरे को लड़के बाबू लोहार आवाज़ दे के बुलाते हैं, कार वाले, मोटरसाइकिल वाले। अच्छा जी सर, क्यों फेमस हो गए आप ये बताइए। सर तो भगवान की लीला है, मेरी कोई मर्जी नहीं है, भगवान जो चाहता है वही होता है। आपकी बिरयानी बहुत फेमस है शहर के अंदर। सर मैंने चालू करा था शुरू में। अच्छा, दो किलो बना के बैठा था साहब जी। अच्छा, दो किलो बना के बैठा था साहब जी। हाँ, हाँ, आज मेरे बाबू लोहार ने देगी बच्चा पाला था जानवर फिल्म में, मैंने 400 परिवार पलवा दिए। 400 परिवार? हाँ, 400 परिवार के चूल्हे चल रहे हैं। क्या बात है। हाँ नहीं सर, मैं लकड़ी पे बनाता हूँ ना। अच्छा, मैं गैस पे नहीं बनाता। अच्छा, मेरा भगवाना पतीला काला है। अच्छा, मेरे कपड़े भी काले हो जाते हैं, शर्ट भी काली हो जाती है। बाबू लोहार के यहाँ जो लोग बिरयानी खाने आते हैं, उनका कहना होता है कि इनकी बिरयानी तो लजीज है ही, लेकिन उससे भी लजीज हैं इनकी लच्छेदार बातें, जो कि लोगों का इंटरटेन भी करती हैं। और उसी बातों के स्वाद में लोग एक की बजाय दो प्लेट कब खा जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिरयानी बेहद फेमस होने का कारण बाबू लोहार की लच्छेदार बातें भी हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। जी सर, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिन देसी मसाले आते हैं दाल वगैरह से, वही लाता हूँ, वही डालता हूँ। तो कुछ खास तो होगा आपका जो इतना स्वाद है लोगों के। ये तो साहब वो किसी दुआ है, किसी की मेरे पे कर्म करम लग गया है किसी का। हाँ, कितने साल हो गए दादा आपको ये करते? मेरे साहब CSB साहब के ना काम करता था मैं। अच्छा। उनका ट्रांसफर हो गया पिने नागवंशी। अच्छा, अच्छा। उनके बंगले पे काम करता था, तो वो चले गए, ट्रांसफर हो गया, तो मैं दो किलो बना के बैठा था साहब पल्लेदार ठेले में। अच्छा। फिर मैं ठेला आ गया मेरा जी, फिर मैं काम करने लगा। तो लगभग फिर भी साल कितने हो गए होंगे? मेरे को कम से कम 13-14 साल हो गए साहब। 13 साल पहले आपने शुरुआत की? जी सर। आज कितनी सेल हो जाती है लगभग? नहीं, सेल की हो जाती है, दो भगोने बेच लेता हूँ। दो भगोने? हाँ। किस तरह से ये मतलब लकड़ी पे किस तरह से तैयार करते हैं? लकड़ी जलाता हूँ चूल्हे पे, चूल्हा भट्टी जलाता हूँ चूल्हे पे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मैं तैयार करता हूँ। दिन भर तो मैं जले को आग कहते हैं, बुझे खाक कहते हैं, इसमें निकला विश्वनाथ कहते हैं, कंडा लगाता रहता हूँ। धुआं इधर भी उठा, धुआं उधर भी उठा, आग इधर भी जल गई, तेरी मेरी दोस्ती चावल में बदल गई। बाबू लोहार के यहाँ बिरयानी खाने वालों का कहना है कि जो व्यक्ति एक बार यहाँ बिरयानी खा लेता है, वह दोबारा अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाता। विजय राठौर, लोकल 18, ग्वालियर।